अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला। इसके इंग्रेडिएंट इस तरह है। हम आधा किलो भिंडी लेंगे, उसे अच्छे से साफ करके धो लेंगे और उसके इंच एक एक इंच के टुकड़े काट लेंगे। एंड कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। उसमें 2 प्याज शामिल करेंगे। जब प्याज अच्छे से नरम हो तब उसमें ये भिंडी शामिल करें और उसे 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई करें। अब हमारी भिंडी इस तरह नरम हो चुकी है और प्याज पे भी थोड़ा कलर आ चुका है, तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तब उसमें चुटकी भर हींग और ज़ीरा शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून अजवाइन भी शामिल करेंगे। और ज़ीरा जब चटकने लग जाए, थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, तब हम 1 टेबलस्पून जिंजर कटा हुआ, 2 हरी मिर्चें और 4 से 5 जवे लहसुन के काट कर शामिल करेंगे। हल्का सा कलर आ जाए तब उसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे ताकि मसाले जले नहीं। जब इस तरह मसाला हो जाए तब उसमें 2 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट ना हो तो 2 टमाटर को ग्राइंडर में पीस ले और वो शामिल कर दे, उसकी अच्छी तरह भुनाई करें। जब मसाला इस तरह अच्छी तरह भून जाए और ऊपर ऑयल नज़र आए तब उसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाले जले नहीं। 3 टेबलस्पून योगर्ट को अच्छी तरह फेंट कर शामिल करेंगे और उसकी भुनाई करेंगे ताकि योगर्ट के दाने दाने नज़र ना आए। थोड़ा नमक को भी आप चख लें, मेरे हिसाब से नमक सही है। अगर आपको कम लगे तो और 1 टीस्पून नमक शामिल करें। मसालों को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। जब मसाला इस तरह भून जाए और ऑयल नज़र आए ऊपर, हमने 4 से 5 मिनट तक मसाले को इस तरह भुना हुआ है, तब उसमें भिंडी फ्राई की भी शामिल करें और इसके उसे मिक्स करें अच्छी तरह। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करें, उसे मिक्स करें, थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि भिंडी जले नहीं। तब उसे ढकना ढक कर धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट तक दम पर पकने दे। 5 मिनट बाद हम भिंडी को ढक्कन हटाकर चेक करें। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ रहा है। आप भिंडी को हाथ से दबाकर चेक कर ले। हमारी भिंडी पक चुकी है। चूल्हा बंद करें और उसे गार्निश करें हरा धनिए के साथ और उसे पूरी पराठा, नान के साथ, चपाती के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी भिंडी मसाला पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप
आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।